यजुर्वेद में लिखा है कि सूर्य स्थिर नहीं है, सन इज नॉट स्टेशनरी। तो साइंस में जब ये डिस्कवरी हुई कि सन तो एक ही जगह पर है और सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जिन लोगों को ये पता था कि यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि सन इज नॉट स्टेशनरी, वो लोग यजुर्वेद का मजाक बनाने लगे। धीरे धीरे साइंस और डेवलप्ड हुई, एस्ट्रोनॉमी और डेवलप्ड हुई, तो एक और डिस्कवरी हुई कि सन एक गैसियस सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब ये पूरा गैस से बना हुआ है और ये अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता रहता है। और इसके बाद एस्ट्रोनॉमी और डेवलप हुई, फिर ये पता चला कि सन सिर्फ अपने एक्सिस पर ही रोटेट नहीं करता, सन मिल्की वे गैलेक्सी के भी चक्कर लगाता है। मतलब जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं, सेम उसी तरह से सन भी गैलेक्सी में घूमता रहता है, कुछ इस तरह से। हजारों साल पहले यजुर्वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सन। नमस्कार दोस्तों, इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास करने से पूर्व उस पर तर्क करना सीखो। अब जैसे कि इस वीडियो में हमारे इन भाई ने बताया कि यजुर्वेद में हजारों वर्ष पूर्व ही लिख दिया गया था कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य भी स्टेशनरी नहीं बल्कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के चक्कर लगाता है। परंतु आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन भाई ने यह नहीं बताया कि यजुर्वेद के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में ये सारी बातें लिखी हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मैं धर्म के पक्ष में किसी भी ग्रंथ को कोट करके कुछ भी बोलूँगा तो लोग विश्वास कर ही लेंगे, क्योंकि सब धर्मांध और मूर्ख हो गए हैं। और इन्होंने जो संस्कृत के टेक्स्ट वाली एक पिक्चर दिखाई है वो बस एक रैंडम पिक्चर है जो कि इन्होंने विकिपीडिया से ली है, जो आप गूगल पर यजुर्वेद सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ग्रंथों में सूर्य को स्टेशनरी इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि सूर्य को हम देख सकते हैं कि वह पूर्व से निकलकर पश्चिम में अस्त होता है, तो इसको देखकर ग्रंथों में सूर्य को मूव करता हुआ दिखाया गया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड ऑर्बिट करता है। और दूसरी बात कि अगर यजुर्वेद में ऐसा लिखा भी है कि सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि सूर्य और बाकी ग्रह इनके सेंटर ऑफ मास, जिसे हम बैरिसेंटर भी बोलते हैं, उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं, जो कि आप नासा के इस आर्टिकल से पढ़ सकते हैं। और इन्होंने आखिरी में जो बात कही कि यजुर्वेद हजारों वर्ष पुराना है, तो भाई इसका भी प्रमाण नहीं है। और यहाँ तक कि कॉमन एरा से पूर्व हमें हिंदू अथवा सनातन धर्म का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो उसके ग्रंथ इससे पहले के कैसे हो सकते हैं। और यजुर्वेद जो कि कहता है कि सूर्य रथ में आता है, यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा है कि सूर्य रथ में आता है और उसमें आप प्लानिटरी मोशन ढूंढ रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे।